हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं CDSCO रजिस्ट्रेशन फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इंडिया के अंदर मेडिकल डिवाइस का जो लॉ है वो नया आया है और बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर रेगुलेशन मैंडेटरी हो गया है, जिसके अंदर आपको CDSCO के साथ रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। CDSCO बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रग्स का डिपार्टमेंट है। वैसे ही आपकी स्टेट में भी डिपार्टमेंट होते हैं। मेडिकल डिवाइसेस के जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं उसकी चार क्लासेस हैं, ए बी सी एंड डी। ये चारों क्लासेस रिस्क बेस पे डिफाइन है। ए सबसे ज़्यादा रिस्की है, डी सबसे कम रिस्की है। ए और बी क्लास के जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं इनका रजिस्ट्रेशन आपको CDSCO के साथ करवाना मैंडेटरी है। अगर आप मेडिकल डिवाइस के इंपोर्टर हैं तो आपको इंपोर्टर रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप मेडिकल डिवाइस के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर का रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसे पहले जो अब मैं आपको दोस्तों इसके अंदर स्टेप्स बताने जा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको CDSCO के जो सुगम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कराने होते हैं CDSCO के पब्लिक रिलेशन ऑफिस के अंदर, और उसके बाद आपका पोर्टल एक्टिवेट होता है। पोर्टल एक्टिवेट होने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। इंपोर्टर के केस में ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जो फॉरेन सप्लायर है उसके लगेंगे, उसी की मैन्युफैक्चरिंग साइट के लगेंगे, और वो पेपर्स आपको वो देगा। जो कि आप वो पेपर्स लेने के बाद आपको वो अपलोड करना है, एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरर का केस थोड़ा मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मेडिकल डिवाइस की मास्टर फाइल हो गई, या फिर आपको अपना ISO 13485 के हिसाब से पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन हो गई। इसके अलावा आपको अब जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आपके फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके भी कई सारे पेपर्स लगते हैं। तो ये पेपर्स आपको मैन्युफैक्चरिंग के केस में अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपको टेस्ट लाइसेंस लेना होता है। टेस्ट लाइसेंस को लेने के बाद आप फाइनल लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन डालते हैं। तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए स्ट्रिप के अंदर हमने अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।